हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ इट डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसको अब हम डायग्राम बनाकर समझेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया और हमें क्वेश्चन में क्या पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एलिवेटर बना लेते हैं। तो ये हमारा एलिवेटर यानी कि लिफ्ट। अब ये जो लिफ्ट है वो नीचे साइड को जाती है, तो जब ये नीचे साइड को जाती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6 मीटर पर मिनट। अब ये जो लिफ्ट है वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, यानी कि ग्राउंड और लिफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस है यानी बीच की जो दूरी है वो है 10 मीटर। अब ये जो लिफ्ट है उसको जाना है ग्राउंड से नीचे, तो ये होगा ग्राउंड से नीचे का डायरेक्शन और इस लिफ्ट को जाना है ग्राउंड से -350 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि जब ये लिफ्ट ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है यानी कि यहाँ पर है, तो इसको ग्राउंड से नीचे यानी कि -350 मीटर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम पता करना है उसका डिस्टेंस निकालने के बाद। तो सबसे पहले हम इस लिफ्ट का फाइनल डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस लिफ्ट को ग्राउंड पे लाएंगे। तो इस लिफ्ट को ग्राउंड पे लाने के लिए ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, इसमें से जब हम -10 मीटर करेंगे तो ये जो लिफ्ट है वो सीधे ग्राउंड पे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मीटर -10 मीटर, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि अब हमारी जो लिफ्ट है वो ग्राउंड पर आ चुकी है। अब इस लिफ्ट को ग्राउंड से नीचे ले जाना है, तो सबसे पहले ग्राउंड से नीचे ले जाने के लिए ये जो -10 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ग्राउंड तक आने के लिए, उस डिस्टेंस में हम ग्राउंड के नीचे का डिस्टेंस ऐड करेंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा -10 मीटर यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसमें -350 मीटर जो उसको ग्राउंड से नीचे जाने के लिए डिस्टेंस कवर करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -10 मीटर और -350 मीटर। अब ये दोनों नंबर्स के साइन सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 350 + 10 मीटर हो जाएगा -360 मीटर। जब भी दोनों नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो वो दोनों आपस में प्लस होते हैं। तो इस तरह जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा -360 मीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस लिफ्ट को कवर करना है और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, गिवन में सबसे पहले हमें एलिवेटर की स्पीड दी हुई है, तो हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमने इस एलिवेटर की जो टोटल डिस्टेंस है वो निकाली थी, तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी -360 मीटर। अब इस एलिवेटर को -360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पहला तरीका देखेंगे सॉल्व करने का, जो है फॉर्मूला बेस्ड तरीका, और वो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है, स्पीड नहीं निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर टाइम का एक फॉर्मूला बनाएंगे। टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जो टाइम है वो स्पीड के जगह पर चला जाएगा और स्पीड जो है वो टाइम के जगह पर आ जाएगा। तो टाइम चला गया स्पीड के जगह पर और स्पीड आ गई टाइम के जगह पर यानी कि नीचे। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में
रखेंगे तो उसको हम यहाँ रख लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम इक्वल टू -360 मीटर अपॉन -6 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर स्पीड जो है वो पॉजिटिव में थी, उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव की स्पीड बना लिया है, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसको उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं लगानी पड़ती, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बढ़ी हुई स्पीड दी है, इसलिए हमने यहाँ पर उस लिफ्ट की स्पीड कम की है, यानी कि उसको लिखा है माइनस में और वो लिखा है हमने -6 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में मीटर मीटर दिया हुआ है, तो ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 की टेबल में जो 360 है वो कितने टाइम्स आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 1 6, और 6 की टेबल में 36 6 टाइम्स आता है, 6 6 होता है 36, और उसके बाद लगा हुआ है 0, तो यहाँ पर 6 6 36 हो जाएगा, और 6 के बाद लगाएंगे हम 0, और यहाँ पर दोनों के बाद लगा है माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 60 मिनट के, ये जो मिनट है वो अब 60 के साथ लग जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो गया 60 मिनट। और 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 मिनट होता है 1 आवर के इक्वल, तो टाइम हमारा हो जाएगा 1 आवर, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, यानी इस लिफ्ट को -360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर लगेगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7 का पहला तरीका सॉल्व करने का। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में है स्पीड इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, उसके बाद हमने इस एलिवेटर का डिस्टेंस निकाला था जो था -360 मीटर। अब हमें इस एलिवेटर का टाइम पता करना है कि उसको कितना टाइम लगेगा -360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये होगी हमारी प्रोसेस नंबर 2, इसमें हम लिखेंगे ये जो एलिवेटर है वो 1 मिनट में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और ये जो एलिवेटर है वो नीचे साइड को जा रहा है, इसलिए इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिनट में -6 मीटर का डिस्टेंस ये एलिवेटर कवर करता है, तो 1 मिनट में ये जो एलिवेटर है वो -6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें ये पता करना है कि वो कितने मिनट या फिर आर में -360 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मिनट का इंटू होगा -360 मीटर में, उसके बाद -6 मीटर का इंटू होगा क्वेश्चन मार्क मिनट और आर में, तो चलिए इसको आगे इंटू करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे -360 मीटर इंटू 1 मिनट, -360 मीटर का इंटू किया हमने 1 मिनट में, उसके बाद -6 मीटर का इंटू होगा क्वेश्चन मार्क मिनट या फिर आर में, तो इसको हम लिखेंगे -6 मीटर इंटू क्वेश्चन मार्क। अब हम -360 मीटर इंटू 1 मिनट को डिवाइड करेंगे -6 मीटर से, तो यहाँ पर दोनों के पास मीटर मीटर है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद दोनों के पास माइनस साइन है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब हम 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 की टेबल में 36 6 टाइम्स आता है, और उसके बाद 0 लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी आएगा 0, तो 6 1 6 और 6 60 का होगा 360, तो इस तरह हमें मिला है 60 मिनट, यहाँ पर 60 बचेगा उसका इंटू 1 मिनट में होगा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 मिनट होता है 1 आवर के इक्वल, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमने दो तरीकों से सॉल्व किया है, आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही।